अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समरा अमीन चौधरी फ्रॉम लाहौर एंड्रोलॉजिस्ट, कैसे हैं आप लोग। पहले तो मैं ये कहूँगी, अगर मेरी ये वीडियो जब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कुछ मज़ीद आप लोग चाह रहे हैं कि मेल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं या सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स जो कि मैं मोमेंट टू मोमेंट डिस्कस करती रहती हूँ, कोई ऐसी हैं, मुझे ज़रूर गाइड कीजिए कि मैं इस पर ज़रूर बनाऊँ, और वो ऐसे टॉपिक्स हों जो मैं इस्लामिक माशरे में बिना मुस्लिम आराम से बात अपने मर्द हजरात से कर सकूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाएं जो नीचे है, उसमें आपको ये ऑप्शन नज़र आएगी। ठीक हो गया, आज बात फिर मेल हेल्थ की है और टॉपिक मेरा वही है जो पहला मैंने बनाया था, दैट वाज मर्दाना कमज़ोरी। ठीक, आज के क्योंकि मुझे मैसेजेस में बहुत लोग पूछते हैं, कभी कोई एक दवाई का मैसेजेस पे मैसेजेस आते हैं कि मैडम ये यूज़ कर लें, मैडम ये यूज़ कर लें, मैडम ये ठीक है, मैडम ये ठीक है। अच्छा, मेरा तरीका इलाज थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है, या आप लोगों को, कुछ लोग मुझे कहते हैं आपकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, वो इसलिए कि मैंने काफ़ी चीज़ों को एड्रेस करना होता है। एक चीज़ मर्दाना कमज़ोरी अगर एक बीमारी है, उसकी वजूहत 5 या 6 किस्म की, तक एक चीज़ तो उस चीज़ को हैंडल नहीं करेगी ना, तो फिर आप लोग खुद समझें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला की बे इंतहा शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे बहुत से मरीज़ों को शफा दी। आप ये देखें कि मेरी नीयत ये होती है कि मेरा पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, अपनी अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सके और खुश भी रह सके। उसमें आज बात है मर्दाना कमज़ोरी की, और उसमें जो मेन हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी नेचुरल बनी हुई, जी कुछ बहुत से लोग जी हकीमी दवाई ले ली थी, ओके ठीक है जी, हर्बल ले ली थी, हर्बल थी, हर्बल का ये कंटेंट है, इसमें ये ले लें। अच्छा, हमारे माशरे में क्या होता है, बहुत सी मेल कमज़ोरी की, मर्दाना कमज़ोरी की जो दवाइयाँ बन रही हैं उनके अंदर तो चीज़ें ऐसी डली हुई हैं कि जो मैं बहुत दुकानों पे जा के देखती हूँ कि जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है मेल मर्दाना कमज़ोरी से। एक तो वो उनको साइड पे करने हैं, साइड लाइन पे मेरा मकसद है कि उनको मैं करूँ, कि जिनका कोई सवाए आपके पैसे ज़ाया होने के और मर्दाना कमज़ोरी के नाम पे पैसे बहुत तरह से कमा रहे हैं लोग, और मैं ये मुझे ये बहुत बुरा लगता है। अच्छा, फिर एक वो प्रेपरेशन आती है कि जिसमें कॉन्टेंट्स हैं जो कि ठीक हैं, हर्बल हैं, ठीक है, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी ठीक नहीं है। यानी कि अगर मुझे 50 मिलीग्राम में कोई चीज़ चाहिए तो वो 2 मिलीग्राम में डली होगी, मुझे 100 में चाहिए तो वो 5 मिलीग्राम में डली होगी, डले सारे होंगे लेकिन उनकी क्वांटिटीज पूरी नहीं होगी। जब वो क्वांटिटी ही पूरी नहीं है तो उस मेडिसिन ने मुझे बताएं आप पे क्या असर करना है। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि कुछ मेन मेन चीज़ें हर्बल जो हमारी मुख्तलिफ दुकानों पर, या जब आप लेने लगे, जब आप अपने, जब आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट ये चीज़ें आप देख लेंगे, ये है इसमें क्वांटिटी, मैं आपको गाइड करूँगी कि कौन कौन सी है। अब आपके मर्दाना कमज़ोरी में जो फैक्टर सबसे बड़ा आता है वो आता है हमारा हार्मोन्स आते हैं, टेस्टोस्टेरोन आ गया, आपका मर्दाना हार्मोन आ गया, अगर आपके अंदर फीमेल हार्मोन जैसे कि प्रोलैक्टिन और ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो गए हैं, वो ज़्यादा हो गए तो भी ये आपको कमज़ोरी आ जाएगी। अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन, मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, वो डायरेक्टली आपके मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को किल करता है। अच्छा, कॉर्टिसोल को भी देखना है हमने कि उसको भी हमने कम रखना है, कि स्ट्रेस एंग्जाइटी इतनी है कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी स्ट्रेस पे, कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हैं जिनको नहीं कंट्रोल कर सकते, उसमें चंद एक चीज़ें हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन है, जैसे ही 25 साल की उम्र में हम जाते हैं, मर जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको जो नेचुरल है, देखें लोग इंजेक्शंस दे रहे हैं, टैबलेट्स दे रहे हैं, मैं नहीं बिलीव कर रही हूँ पे, ठीक है, जो नेचुरल चीज़ आ रही है किसी भी सप्लीमेंट में, मेल हेल्थ का कोई भी सप्लीमेंट आपको अगर मिल रहा है जिसमें मल्टीपल चीज़ें डली हुई हैं, सारी वाइटामिन्स तो होंगी उसमें, उसके साथ अगर उसके अंदर मैका रूट है, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड इन्ग्रीडियंट, एक बहुत अच्छा मैका रूट, बार बार कह रही हूँ, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। ठीक है, उसके बाद हम आपकी बॉडी के, मर्दों के अंदर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है, एक तो वो फ्री फॉर्म में, यानी कि अकेला घूमता फिरता टेस्टोस्टेरोन कितना है, जितना वो ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, और वो बाइंड होता है एक प्रोटीन के साथ हमारी बॉडी में, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ। अगर हम कुछ चीज़ ऐसी ऐड कर दें
कि जो उस बाइंडिंग प्रोटीन से टेस्टोस्टेरोन को फ्री कर दे, तो वो हमारी आपकी मर्दाना हेल्थ को और बूस्टअप करेगी। और उसके लिए कौन सी हर्ब है, दैट इज टेरिबुलस टेरेस्ट्रिस। उसकी क्वांटिटी फिर मैं ही गाइड करूंगी, मगर मैं ये कह रही हूँ ये चीजें देखें जरूर जब आप एक सप्लीमेंट ले रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं उनमें मैका रूट भी होनी चाहिए, उसमें टेरिबुलस टेरेस्ट्रिस भी होनी चाहिए। नंबर 3, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी चीज है बॉडी में जो आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है। मर्दाना कमजोरी या मर्दाना सख्ती आती ही तब है जब ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाए। उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड आपके बॉडी में ज्यादा होना जरूरी है। और जो ये वायग्रा या क्या कहते हैं PDE5 इनहिबिटर्स जितने भी हैं, ऐसी दवाइयां हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड को टेम्परेरली इंक्रीज करके तो ही आपकी मर्दाना कमजोरी को दूर करती हैं। उसके साथ साथ हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं जिसमें आर्जिनिन आ जाती है, एल-कार्निटिन आ जाती है और कोएंजाइम Q10। ये सब इनकी क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट, इनका नाम नहीं, इनकी क्वांटिटीज भी होन में अच्छी तो ही काम करेंगे। अच्छा, चौथा आ गया हमारा स्ट्रेस का। मैंने अभी आपसे लफ्ज यूज किया था स्ट्रेस में कॉर्टिसोल लेवल जब इंक्रीज कर जाता है। बहुत से लोगों में जिनमें मर्दाना कमजोरी मेरी दवाइयां देने के बावजूद भी परसिस्ट कर रही होती है, तो देन आई गो फॉर कि मैं कॉर्टिसोल का टेस्ट भी करवा के, वो हाई होता है। कॉर्टिसोल को जो चीज रिड्यूस करेगी वो होगी हॉर्नी व्हीट गोट। ये देखें आपको, ये मैंने चार चीजें अभी तक बता दी। हॉर्नी व्हीट गोट होगी वो जितनी अच्छे अमाउंट में जाएगी, आप अपने स्ट्रेस लेवल को बाजू का कंट्रोल नहीं कर सकते, कॉर्टिसोल निकलता ही जाता है। हॉर्मोन्स हैं बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो प्रोड्यूस होते जाएंगे, लेकिन यस हम उनको ज्यादा प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। अब और क्या बात आई, जो हैप्पी हॉर्मोन है हमारा डोपामीन, जो हमारे माइंड को खुश रखता है, या आपकी इस एक्टिविटी को मर्दों की इस एक्टिविटी के लिए उनको उनकी डिजायर को भी इंक्रीज करता है, उसमें डोपामीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और उसके लिए डोपामीन भी एक हार्मोन है जो ब्रेन में होता है। सेरोटोनिन और डोपामीन दो हैप्पी हार्मोन्स हैं जो आपकी वर्जिश से तो बढ़ते ही हैं। वर्जिश आपने करनी है वो तो मैंने बताया आपको, लेकिन जब हम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं तो फिर डोपामीन के लिए जो बेस्ट सप्लीमेंट है दैट इज मैक्यूना। मैक्यूना जरूर देखेंगे ये है उन दवाइयों में या नहीं। अगर हम ये चीजें, ये उन उस सवालों का जवाब भी है जब मुझसे, तो ये उन चीजों का भी जवाब है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम आपकी दवाइयां कुछ ज्यादा है, उसमें ये है कि अब आपको खुद अंदाजा हो रहा है कि मैं, हाँ एक चीज प्रोलैक्टिन कॉर्टिसोल के साथ ही स्ट्रेस में रेज होता है। प्रोलैक्टिन फीमेल हार्मोन है और प्रोलैक्टिन को हमने रिड्यूस करने के लिए जो हर्ब है दैट इज वाइटस एग्नस। अब ये चीजें इन टोटल बताने का मकसद ये है कि जब भी आप लें कोई भी सप्लीमेंट अपनी मर्जी से लेने लगें तो काइंडली देख लीजिए कि उनके अंदर विटामिन ABCDE एंड उनके अलावा ये हर्ब्स, चलो सब नहीं 2-3-4 तो हों, लेकिन खाली एक लेने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एक अलहदा अलहदा भी मार्केट में मिल रही हैं एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ देम। मैं एक ब्लेंड देती हूँ मेडिसिन का अल्हम्दुलिल्लाह, उससे मेरा कोई मकसद वो नहीं हो रहा होता। मुझे खुशी हो रही होती है कि मेरे पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं, मर्दाना कमजोरी भी ट्रीट हो रही है, मर्दाना बांझपन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 बेहतरीन तरीके से हो रहा है। उसका इलाज मेरे पेशेंट्स के बहुत जो है ना उनकी वाइफ ने कंसीव कर लिया है। ओके, थैंक यू, सी यू सून।